हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तीन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज से हमें तत्व ज्ञान पाठ वाला भाग दो, इसमें एक बहुत सुंदर पाठ महावीराष्टक के रूप में दिया है जिससे हमें चर्चा करनी है। महावीराष्टक स्तोत्र, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है और बहुत प्रसिद्ध है। समाज में इस स्तुति को बहुत बोला जाता रहा है बहुत लंबे काल से ही। इस स्तोत्र, जो कि स्तोत्र की परंपरा काफ़ी पुरानी रही, जिसमें भक्तामर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, पार्श्वनाथ स्तोत्र है, ऐसे ही ये महावीराष्टक स्तोत्र है। महावीर भगवान और उनके संबंध में लिखा गया ये स्तोत्र। स्तोत्र माने होता है स्तुति, स्त्रोत नहीं, स्तोत्र, स्तोत्र है ना। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति और अष्टक माने आठ संस्कृत के श्लोकों में इसकी रचना हुई, इसलिए ये अष्टक कहलाया। महावीर अष्टक, भगवान महावीर स्वामी की महिमा बखान करती और असली महिमा है। आप जगत में भगवान महावीर स्वामी की महिमा देखोगे तो लोग तो ऐसा कहेंगे आप तारणहार हो, आप पालनहार हो, आप भला करने वाले हो, हैं। और महावीर जी जाते हैं लोग तो देख लो जिन जिन भावनाओं से जाते हैं महावीर भगवान को याद करके, वो सब महावीर भगवान की स्तुति वाले लोग हैं। वो कैसे लोग हैं, चले आना प्रभु जी, चले आना, ऐसी स्थिति है। ये रियल स्तुति है, बहुत गंभीर भाव भरे हैं। और पता है इस स्तुति को लिखने वाले व्यक्तित्व कौन हैं? लिखने वाले व्यक्तित्व हैं कविवर भागचंद जी। इसमें अंतिम छंद में ऐसा लिखा है भक्त्या भागेंदु ना कृतम। भागेंदु अपन अर्थ करेंगे, संस्कृत का ही अर्थ करना है अपने को, एक एक शब्द का अर्थ करेंगे और क्या मर्म इसमें छिपा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आठ श्लोक हैं आप लोग याद भी करें और भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय इसका उच्चारण भी किया करें, बोला भी करें। भागचंद जी द्वारा लिखी गई ये भागचंद जी छाजेड़, भागचंद जी छाजेड़ नाम के व्यक्ति हुए हैं। ये पहले श्वेतांबर है, बाद में दिगंबर धर्म को अपनाया, बहुत गहन अभ्यासी रहे, बहुत बारीक की से इन्होंने विवेचन किया है। इनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें एक रचना तो वो है जिसके उद्धरण समझ लीजिए आप पांचवें और छठवें अध्याय में टोडरमल जी साहब ने बहुत दिए हैं, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। नाम सुना है आपने, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, बहुत ही सुंदर रचना है उनकी। ये भागचंद जी वही हैं जिन भागचंद जी के बहुत सारे वो प्रसिद्ध हैं अपने भजन, कविवर भागचंद जी। हाँ, आर्थिक दृष्टि से भी वे कमजोर थे। सत्ता स्वरूप इनकी बहुत सुंदर रचना है, कृति है इनकी। नेमिनाथ पुराण इनके द्वारा लिखा गया है, वो भी इनका बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अमित गति श्रावकाचार, उसके भाषा वचनी का कार्य है अमित गति श्रावकाचार के। ढूंढारी आदि ऐसी पुरानी भाषाओं पर इनको बहुत कमांड था और संस्कृत के भी आप बहुत उत्कृष्ट विद्वान थे। और आपका काल लगभग अभी से यदि हम देखें तो 150 वर्ष से ज़्यादा पुराना आपका काल है। विक्रम संवत 1933 आपका जीवन पूरा हुआ, 1877 में आपका जन्म हुआ, मतलब आज से 200 साल पहले लगभग आपका जन्म हुआ है।
और 56 वर्ष की आपकी आयु रही, ऐसे भागचंद जी के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही सुंदर ये रचना है। और ये ग्वालियर के पास में ईसागढ़ के रहने वाले थे, इनका बहुत काल जयपुर में भी बीता। यहाँ पे नाम है, हाँ भागचंद जी का नाम यहाँ होना चाहिए। भागचंद जी का, लेकिन वो जयपुर और लिखा है। हाँ ये यही भागचंद जी है, क्योंकि इनका बहुत काल जयपुर में भी बीता। और जयपुर में ये दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो विद्वानों की कार्यस्थली रहा है। माने जयपुर में कोई विद्वान आकर के काम करे या जयपुर में कोई विद्वान रहे और इस तेरापंथी बड़े मंदिर से अपरिचित हो, ऐसा पिछले 300 वर्षों में नहीं हुआ। वर्तमान में तो बहुत मंदिर हो गए, सेंटर हो गए, क्षेत्र हो गए, तो बहुत बट गए हैं लोग, लेकिन प्राचीन काल से ही, माने क्योंकि अपन बात कर रहे हैं 200 साल पहले की बात कर 200 साल पहले जन्म हुआ, तो लगभग 25-30 साल की उम्र में इन्होंने काफ़ी काम किया, तो 200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं, ये महावीर अष्टक के स्तोत्र है। आपको यदि स्तोत्र याद भी नहीं हो और याद नहीं आ रहा हो, तो इसके अंतिम लाइन को देख करके आपको याद आएगा कि हाँ यार ये तो हमने सुना है। कौन सी लाइन? हर चंद की अंतिम लाइन, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, ये तो इधर सुनिए ना लाइन सबने, तो इससे आपको पता लग रहा है कि हम ये कौन सा स्तोत्र यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। माने किसी भी रूप में अन्य स्तोत्रों की तुलना में इस स्तोत्र की कीमत, इसकी वैल्यू, इसकी महिमा कम नहीं है। एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का मार्मिक अर्थ जो इनके इसमें भरा हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहले छंद से हम इसका वाचन प्रारंभ करते हैं। बोलना भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, आपके कंठ का हार बन जाए, हमारी ये भावना है। शुरू करें अपन। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाशिर्षितः समं भ्रान्ति द्रोह व्यय अनिल संतोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु नह। मैं नहीं बोलना, नह बोलना। मैं जब पर्सनल व्यक्तिगत बोला जाता है तो बोला जाता है भवतु में, और जब सब साथ में बोलते हैं तो बोला जाता है भवतु नह, मतलब हम सबके लिए, हमारे लिए। न मतलब हमारे लिए, में मतलब मेरे लिए, है ना। तो ये दोनों शब्द दिए हैं, ब्रैकेट में नह दिया है और में भी दिया है। देखो क्या कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के संबंध में। यदि ये मतलब जिनके, कल हमने बात की थी थोड़ी सी, और हमने कहा था कि आज पढ़ेंगे इसमें तत्व ज्ञान पाठ वाला भाग दो का पहला पाठ है, कहीं भी मिलेगी आपको पूजन पाठ की पुस्तकों के अंदर आपको ये महावीर अष्टक स्तोत्र लिखा हुआ मिलेगा, सब जगह पर, कहीं से भी प्रकाशित हो, कहीं से भी छपा हो। अब मर्म है ना इसमें, यदि ये मतलब जिनके चैतन्य, चैतन्य मतलब चैतन्य में, चैतन्य मतलब ज्ञान, चेतन आत्मा, चैतन्य उसका गुण, तो चेतन तो आत्मा का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची, चेतन नाम होता है, चेतन, चेतन जी है तो नाम है, ठीक है। अब चेतन का जो विशेष गुण है वो है चैतन्य, चैतन्य है ज्ञान, ज्ञान का पर्यायवाची है चैतन्य। तो यदि ये चैतन्य जिनके ज्ञान में, चैतन्य सप्तमी एक वचन है, चैतन्य मुकुर, मुकुर माने होता है मिरर, दर्पण, कांच, मुकुर शब्दार्थ। आपके पास यदि कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं, तो याद कैसे रहेंगे आप लोगों को, मैं पूछूंगा, परीक्षा में भी आएगा। मुकुर, मुकुर माने दर्पण, मिरर, ठीक है ना। इव माने समान, मुकुर इव दर्पण के समान। यदि ये,
यदि ये चैतन्य मुकुर इव, हिंदी मत देखना आप लोग, हिंदी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सामने हिंदी लिखी हिंदी नहीं, मूल से पढ़ो क्या कह रहे हैं, जिनके चैतन्य रूपी दर्पण में, क्या जिनके ज्ञान दर्पण में, यदि ये मतलब जिनके चैतन्य मतलब ज्ञान रूपी ज्ञान में, मुकुर इव दर्पण के समान, जिनके ज्ञान में दर्पण के समान भावाश्चिदचितः, भावः कहते हैं पदार्थ को, भाव वो पदार्थ है, भावः चिदचितः, भावाश्चिदचितः, चित और अचित, चेतन और अचेतन, जिनके ज्ञान रूपी, जिनके ज्ञान में दर्पण के समान चेतन और अचेतन सभी पदार्थ समम भांति समान रूप से शोभा पाते हैं। बड़ा गजब का विशेषण है, चेतन अचेतन, क्योंकि केवल ज्ञान ही है भगवान, भगवान के केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, सारे जगत के पदार्थ झलकते हैं, और कैसे झलकते हैं, बोले दर्पण के समान झलकते हैं। भाई साहब दर्पण के समान झलकने का मतलब समझते हो आप, दर्पण के समान झलकने का मतलब ये जैसे हैं वैसे झलकते हैं। कई विशेषताएं हैं, ये मुकुर इव जो शब्द दिया है इसमें इतना मर्म छिपा हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना मर्म छिपा है इसमें। दर्पण के समान कहकर के कहना चाहते हैं, झलकने वाले पदार्थ जैसे हैं वैसे के वैसे झलकते हैं, और जिस तरह से झलकाने वाले दर्पण को झलकने वाले पदार्थों से कुछ राग द्वेष नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं होता, उसी तरह से केवल ज्ञानियों के ज्ञान में लोकालोक झलकते हुए भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से दर्पण में पदार्थ झलकते हैं तो पदार्थों के झलकने से कम झलकें चाहे ज़्यादा झलकें, मिरर के ऊपर दर्पण पर कोई वजन नहीं पड़ता, भार नहीं आता। अरे साहब यहाँ से यहाँ मिरर लगा हुआ हो और सुबह 6-7 बजे यहाँ कोई नहीं था तो कितना फ्री था मैं, अब ये लोग आए जा रहे तो वजन बढ़ता जा रहा है दर्पण में, ऐसा होता है, बिल्कुल वजन नहीं पड़ता, बिल्कुल भार नहीं पड़ता। तो इसी तरह से केवल ज्ञानियों के ज्ञान में कितना भी झलके लोकालोक कोई वजन नहीं पड़ता। और गजब की बात देखो, दर्पण में अग्नि झलके तो दर्पण गर्म नहीं होता, दर्पण में बर्फ झलके तो वो ठंडा नहीं होता। इसी तरह से केवल ज्ञान में चाहे रागी लोग झलकें, चाहे द्वेषी लोग झलकें, चाहे वितरागी झलकें, चाहे कषायी पापी लोग झलकें, चाहे अपराधी लोग झलकें, वो कैसे झलकते हैं, शांत भाव से बस जानते हैं, जिनके ज्ञान रूपी दर्पण। पहली लाइन समझ में आई क्या, यदि ये माने जिनके चैतन्य माने चैतन्य में, मुकुर माने दर्पण के, इव मतलब समान, भावाश चिद चिता, चिद चिता चित अचित, चित माने जीव चेतन, अचित अचेतन, समम समान रूप से भांति शोभा पाते हैं, झलकते हैं। कैसे कैसे समान रूप से, बोले द्रव्य व्यय जनी लसंतोंत रहिता, बोलना तो आ रहा है ना, पढ़ करके तो बोल ही सकते हैं। द्रव्य समम भांति, द्रव्य व्यय, द्रव्य व्यय जनी लसंतोंत रहिता, द्रव्य मतलब ध्रुवता, व्यय मतलब नष्ट होना, और जनी मतलब जन्म लेना, उत्पाद, उत्पाद व्यय ध्रुवता से सहित, द्रव्य व्यय, द्रव्य और व्यय और उत्पाद यानी लसंतो शोभा पाते हैं, झलकते हैं, और कैसे अंत रहिता, अनंत पदार्थ, केवल ज्ञान में जब पदार्थ झलकते हैं तो कैसे झलकते हैं, अंत रहित पदार्थ झलकते हैं भाई साहब, अनंत जितने हैं, अलोकाकाश का अंत नहीं है, तो अनंत को कैसे जानते हैं, अनंत को अनंत रूप से जानते हैं। दो लाइनें हो गई, यदि ये चैतन्य मुकुर
अंतरहित तक हो गए, अंतरहित मतलब अनंत पदार्थ, अंत नहीं है पदार्थों का, अनंत है। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतुन। क्या जगत, जगत के लिए साक्षी मार्ग है, साक्षी भूत जो मार्ग है जगत के लिए, जो प्रामाणिक है साक्षी भूत मार्ग, उसको प्रकट करने के लिए, माने मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने के लिए जगत साक्षी, ये साक्षी हैं साहब, इनकी उपस्थिति में, इनकी साक्षी में, तो जगत के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण रूप दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष दिखाने के लिए, प्रकट दिखाने के, प्रकटन परो प्रकट करने के अंदर जो समर्थ हैं, कैसे भानु, भानु मतलब सूर्य, कितने कितने दोस्तों के नाम आ रहे हैं, एक चेतन जी आ गए इसमें, भानु जी आ गए इसमें, देखो भानु इव, भानु मतलब सूर्य, इव मतलब समान, यो मतलब जो, जो जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए सूर्य के समान है भाई साहब, टॉर्च नहीं दीपक की रोशनी नहीं, टॉर्च की नहीं, क्या दिखेगा तुम्हारे को, अरे सारा जगत, इसका मतलब पूरा लोक एक साथ आपके ज्ञान में झलकता भी है, और पूरा लोक एक साथ आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके, ऐसा आपका दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाश है जिनेंद्र देव, आप ऐसे मार्ग को बतलाने वाले हो। माने जगत के जीवों के लिए इस भारत वर्ष में, हे महावीर स्वामी, जब आपकी दिव्य ध्वनि कीर्ति थी, जब आपका उपदेश होता था, तो जगत के सर्व जीव मिलकर के एक साथ आपकी दिव्य वाणी का रसास्वादन किया करते थे, लाभ लेते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी, ऐसे महावीर स्वामी नयन आंखें पथगामी, मेरे नेत्रों के लिए पथ प्रदर्शक, पथगामी भवतु होवे हो न हमारे में मेरे लिए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन, ठीक है, हो गया पहला श्लोक। क्या भानु रिव क छप गया है किसी पुस्तक में, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें तो रिव है, आपके रिवी है ना, पुरानी वाली में रिव है, सही कर लेना, वह कर लीजिए उसको, भानु रिव, भानु रे, रे में से विसर्ग निकलेगा तो भानु और ई इव, ठीक है, भानु इव। चलो आगे बढ़ते हैं साहब, अपन क्या कहते हैं आगे, अताम्रम यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् गोपापायं प्रकयति दुरागन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवाति विमला। क्या कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बात है भैया, ये क्या कह रहे हैं, अताम्रम, अताम्रम, ताम्र जानते हैं आप, ताम्र पत्र होते हैं, ताम्र मतलब तांबा, तांबा कैसा होता है, लालिमा लिए हुए होता है, थोड़ा सा लालिमा होती है उसमें थोड़ी, तो अताम्रम, अ माने नहीं, ताम्र मतलब तांबा, तो अताम्रम तांबे से रहित, तांबे जैसे कलर से रहित, यच्चक्षु, यच्चक्षु संधि विच्छेद किया तो यत हो गया, यत चक्षु माने जो नेत्र, जिनके नेत्र अताम्रम लालिमा से रहित है, आंखें लाल नहीं है, गुस्सा नहीं आ रहा है,
आंखों में बिल्कुल शांति झलक रही है। अतम्रम यक्षु, कैसे चक्षु ही नहीं कमल युगलम, चक्षु कमल युगलम, नेत्र कमलों का जोड़ा, युगल मतलब जोड़ा या दोनों, या जिनके दोनों नेत्र कमल। नेत्रों के लिए कमल शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि नेत्रों की जो बनावट जिस तरह की होती है वो कमल पंखुड़ियों जैसी होती है, क्या नेत्र कमल इस तरह का जो एक सुंदरता जो शेप जो होती है ना, तो नेत्र कमल है, दोनों नेत्र, जिनके दोनों नेत्र कैसे हैं, अताम्रम है, और इतना ही नहीं स्पंद रहितम, स्पंद नेत्रों की पलके नीचे पकती। समोक्षरण में बैठे हैं भगवान महावीर स्वामी, उनकी स्तुति कर रहे हैं भागचंद जी, समोक्षरण में बैठे हुए हे महावीर भगवान, आपके नेत्रों की तरफ जब मैं देखता हूं तो वे नेत्र कैसे दिखते हैं मुझे, बिल्कुल लालिमा नहीं है और स्पंद भी नहीं है, स्पंद रहितम। जनान जगत के जीवों को, जनान जन जन जनान जगत के जीवों को, मनुष्यों को, कोप अपायम, कोप 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 मतलब और अपाय मतलब डाल देना, जनान कोपापायम, जगत के जीवों के क्रोध को दूर कर देने वाले। आपको देखो ऐसी शांत छवि कि देखने मात्र से क्रोध गुस्सा करने वाले का गुस्सा गायब हो जाए, क्या आपके भी क्रोध नहीं है चेहरे पर, आपकी मुख मुद्रा से क्रोध नहीं झलक रहा है, और कोई क्रोधी व्यक्ति यदि आकर के आपके चेहरे को देखे, आपकी मुख मुद्रा को देखे, आपके दर्शन करें, तो जनान को पापायम जगत के जीवों के भी क्रोध का अभाव हो जाए। प्रकटयति, प्रकटयति माने प्रकट करता है, वाभ्यंतरम अपि, वा मतलब अथवा, अभ्यंतरम अपि मतलब अंतरंग से भी, वा वाभ्यंतरम अपि, व अभ्यंतरम अपि मतलब भी, अपि अपि मतलब भी, और कपि मतलब कपि माने बंदर, ये अपि है यहाँ। वह अभ्यंतरम मतलब अंतरंग से भी, अरे भाई आपकी बहिरंग तो शांत मुद्रा दिखी रही है, अंतरंग से भी शांत है। क्रोध करता हुआ कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो बाहर से तो शांत हो ही जाता है, अंदर से भी उसका गुस्सा गायब हो जाता है। भगवान जिनेंद्र देव की शरण में आए और क्रोधादिक विकार बने रहे, ऐसा होता नहीं है। लख शांत छवि तेरी है हे जिनेंद्र देव, जैसे ही तुम्हारी शांत छवि को देखा है, अंतर में जब समाई, तो फिर क्या हुआ कि वो शांति, वही जैसी शांति वहां थी वैसी शांति यहां भी हमने पाई। क्या है, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। यही तो कह रहे हैं, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में आई। शांत छवि को देखो तो शांति अंदर में आती है। तो क्या कह रहे हैं यहां देखो, जनान को पापायम, जगत के जीवों के क्रोध को अभाव करने में समर्थ, प्रकटयति प्रकट करता है, और अभ्यंतरम अपि बाहर भी और अंतरंग में भी, स्फुटम मूर्तिर्यस्य स्पष्ट, जिनकी मूर्ति दिखाई दे रही है, प्रतिमा मूर्ति मुद्रा, यस्य मतलब जिनकी, स्फुटम प्रकट, प्रशमितमयी मतलब पूर्ण शांत, प्रशम प्रशम शांति का सूचक, प्रशम संवेग अनुकंपास्तिक, प्रशम प्रशमितमयी अत्यंत शांत, व अति विमला और अत्यंत निर्मलता भी उसमें दिखाई दे रही है। ऐसी है जिनेंद्र देव,
बहिरंग रूप का वर्णन किया। भगवान जिनेन्द्र महावीर स्वामी को देख करके भक्त के हृदय में कैसा भाव आता है, कैसी अपार शांति का वेदन होता है, उसका उल्लेख इस छंद में किया गया और कहा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे सदा ही पथ प्रदर्शक बने रहे। ठीक है, इंद्रबुद्धि गौतम आया वो खुद लिख रहे हैं ऐसा। हाँ ऐसा लगता है बिल्कुल। देखो कैसे स्वरूप को देख करके कैसी फीलिंग आती है। अभी देखो आपने इंद्रभूति का नाम की लिया और इंद्रभूति के साथ में आए थे इंद्र भी, और देखो कैसे लग रहे हैं। आगे तीसरा छंद देखो, नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत पादाम भोज द्वयमिह यदीयम तनुव्रताम भवज्वाला शांते प्रभवति जलम वा स्मृतमपि। बहुत सुंदर मार्मिक बातें कहते हैं भाई भगवान महावीर स्वामी को देखो कैसे दिख रहे हैं वो क्या है। तो कह दिया ताम्रम है जिनके चक्षु लालिमा से रहित हैं, ये सारी बातें शांत हैं, शांत छवि है। अब उनको वंदन करने वालों की बात कहो तो क्या कह रहे हैं देखो कैसे हैं। नमन, नमन मतलब नमन, नाकेंद्र, नाके कहते हैं स्वर्ग, नाकेंद्र स्वर्ग के इंद्र, नमन करते हुए स्वर्ग के इंद्र, भक्ताम वरह प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, वही वही है, सेम भाव है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है दोनों में। क्या कह रहे हैं, नमन नाकेंद्र आली, नाके शब्द का प्रयोग आप शक्रेंद्रम और शक्रेंद्रम की जगह कहीं कहीं शब्द मिलता है शांतिनाथ भगवान का जो अर्घ है उसमें, उसमें क्या कहते हैं, नुतनाकेशम, नुत शक्रेशम की जगह कहीं कहीं नुतनाकेशम भी मिलता है, अजितनाथ भगवान की नुतनाकेशम। तो नाकेशम क्या चीज है, वही इंद्र, नाकेशम इंद्र ही है, इंद्रों की बात है, नाक मतलब स्वर्ग और नाकेशम इंद्र। तो नमन नाकेंद्राली, हाँ नाक माने स्वर्ग, नाके मतलब भी स्वर्ग, वो विभक्ति लग जाती है। तो हाँ, तो नमन, नमन करते हुए नाकेंद्र स्वर्ग के इंद्रों की आली, आली मतलब पंक्ति, आली पंक्ति, जैसे दीपाली, दीपावली, तो आली आली तो पंक्तियां दीपों की आवली, तो आली। तो नमन नाकेंद्राली, आप समव शरण में बैठे हुए हैं भगवान महावीर स्वामी और आपको नमन करते हुए इंद्रों की लाइन लगी है, नमन कर रहे हैं। मुकुट मणि भक्ता मरे प्रणत मौली मणि, मुकुट मणि भा, भा मतलब आभा, मुकुटों की मणि, मुकुटों में जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी भा आभा, जाल, जाल मतलब समूह, और जटिलम माने जड़ गया हो, उनके मुकुटों की मणियों की प्रभा का जो रोशनी है, प्रकाश है, वो मानो जड़ गया हो। कहाँ कि लसत पादाम भोज, लसत शोभायमान होना और पादाम भोज, पाद कमल, चरण कमल, पाद मतलब चरण और पादाम भोज अंबुज, अंबुज मतलब कमल, चरणों के लिए भी कमल कहते हैं, चरण के लिए कमल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों नहीं, दोनों पैरों को जोड़ करके जब पैर रखे हुए होते हैं तो बीच के दोनों अंगूठे और दोनों साइड की अन्य अंगुलियां उनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खिला हुआ कमल दिख रहा हो। कमल, कमल जो बना बच्चे तो कैसा बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना बच्चे, जब कमल बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, ऐसे बीच में ऐसा बनाया फिर ये ऐसा ऐसा, तो ये जो पैर हैं ये पैर भी कैसे लग रहे हैं, चरण, चरण माने तो पैर, और चरण कमल, कमलों के समान।
तो ये शोभा पा रहे हैं आपके चरण कमल कैसे, द्वयम इह दोनों यदि यम जिनके जिनके दोनों चरण कमल क्या यदि यम मतलब जिनके, फिर पादाम भोज द्वयम द्वय द्वय मतलब दो द्वय दिख रहा है, द्वय मतलब दो, इह मतलब यह दोनों जिनके यह दोनों चरण कमल नमन करते हुए इंद्रों की पंक्तियों से और उनके मुकुटों में जड़ी हुई प्रभा से मणियों की प्रभा से लसत और अधिक शोभायमान हो रहे हैं। फिर आगे क्या कहा, वो कर क्या रहे हैं, वो ये तो शोभा बतला दी उन्होंने, वो झुक रहे हैं, आप उसका पिक्चराइज करो, आप उसको अपने माइंड में आप पिक्चर देखने की कोशिश करो क्या क्या सिचुएशन बन रही है। वो झुक रहे हैं और वहां से किरणें निकल रही है, वो उनके चरणों में पड़ रही है और वो ऐसे चरण का ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, बड़ा अद्भुत दिख रहा है। क्या करते हैं वो, तनुव्रताम, तन मतलब शरीर, तनुव्रताम शरीरधारी, तनुव्रताम शरीरधारियों को भव ज्वाला शांति, भव ज्वाला माने हे जिनेन्द्र देव आपके जो चरण कमल हैं वे चरण कमल इन शरीरधारी जीवों के लिए भव की ज्वालाओं को शांत, यही चतुर्थी विभक्ति है चतुर्थी, तो कहते शांत करने के लिए भव ज्वाला शांत, यही शांत करने के लिए प्रभवती उत्पन्न होती हुई जलम वा जल के समान, जल की धारा जैसे उत्पन्न हो रही हो भव ज्वालाओं को शांत करने के लिए, ऐसा फीलिंग आ रही है हमारे। शरीरधारी संसारी प्राणी, शरीरधारी मतलब अर्थ क्या है उसका, भाव क्या है, संसारी प्राणियों के जगत की पीड़ा कष्ट और दुखों को दूर करने के लिए अंदर में राग द्वेष विकार और कषाय की जो ज्वालाएं धधक रही है उन्हें शांत करने के लिए हे जिनेन्द्र देव मानो आपका दर्शन मात्र शीतल शांत जल की धारा बहा रहा हो। प्रभवती जलम वा और जलम वा स्मृतमपि, क्या वो जो जल है ना वो जल किस चीज का है, स्मृतमपि आपका स्मरण मात्र वो जल का काम करता है कि भाव ज्वालाएं शांत हो जाए। हे भगवान महावीर स्वामी आप हमें याद आए और अंदर में चोरी करने का भाव बने, चोरी करने वाले को चोरी करते समय भगवान महावीर स्वामी याद आ जाए तो चोरी करेगा या महावीर भगवान का नाम लेके चोरी करता होगा, नहीं कर सकता। पापी व्यक्ति पाप करते समय यदि उसे भगवान याद आ जाए क्या, तो वो पाप नहीं कर सकता है, अंदर की कषायें शांत हो जाती है शांत मुद्रा को देखकर। अभी बोली अपन ने पंक्तियां, बड़े पंडित जी की पंक्तियां थी, पंक्ति कितने गजब भर्म मर्म भरे हैं, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते ही दर्शन करने मात्र से कैसी अपार शांति का वेतन होता है। भव ज्वाला शांति प्रभवती, प्रभवती मतलब उत्पन्न होती है जलम वा जल के समान, मानो ऐसा लग रहा है हे जिनेन्द्र देव सामने आप बैठे हुए हो और शांति बरसा रहे हो, क्या शांति बरस रही हो मानो हे जिनेन्द्र देव आपकी मुख मुद्रा से। ये भगवान की कितनी सुंदर स्तुति है, ऐसा लगता है दर्शन करते समय ऐसी स्तुति बोलो, भाव अर्थ समझ में आ रहा है हमारे को बोल रहे हैं और आनंद का उपभोग कर रहे हैं, मजा आ रहा है। कोई शब्द नहीं समझ में आया हो तो बोलो। प्रभवती जलम वा स्मृतम अपि स्मरण मात्र भी, ऐसे कौन है और वो क्या करें हमारे लिए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन है, याद भी करना है वो चमक रही है, ऐसा भी अर्थ करते हैं बिल्कुल, भक्तामर में भी जब अर्थ करते हैं ना तो ऐसा ऐसा अर्थ भी करते हैं कि आपके चरण कमल जिस तरह से चमक रहे हैं उनकी आभा जब देवों के मुकुटों पर पड़ रही है तो ये मणियां भी चमक रही हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। चलो तीन हो गए, चौथा छंद आज का अंतिम है ना, कल पूरा करेंगे इसको, बहुत ही मार्मिक है, स्टोरी का उल्लेख कर दिया भगवान महावीर स्वामी के संबंध में, क्या कहा है कहानी भर दी इसके अंदर।
यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्ह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण सम्रत सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी समझ में आया क्या कुछ नहीं आया अभी आएगा समझ में मजा आएगा अभी देखो अब यत यत मतलब जो अर्चा भावेन यदर्चा भावेन तीन शब्द हैं यहाँ यत त त निकलेगा इसमें से और फिर अ अलग निकलेगा यत अर्चा अर्चा तो जानते हैं अर्चा पूजा में भक्ति जैनेन्द्र देव का गुणानुवाद गुण स्मरण ये सब पूजा भक्ति ये सब क्या अर्चना कहलाती है जैनेन्द्र अर्चना भगवान की पूजा तो यत माने जो जिनकी अर्चा माने पूजा के भावेन भाव के द्वारा भाव से तृतीय विभक्ति जिनकी पूजा के भाव से जिनकी भक्ति के भाव से यत अर्चा भावेन प्रमुदित मना प्रमुदित प्रमुदित हो जाओ थोड़े प्रमुदित होकर के सुनो आप तो हमेशा ही प्रमुदित रहते हो प्रमुदित मना क्या मन से जो बहुत प्रसन्न होकर के भगवान की पूजा के भाव से आता हुआ दर दुर कहते हैं मेंढक है? दर्दुर मतलब सेठ जी सेठ जी अरे सेठ जी थे वो गुरु गाँव में सेठ जी थे क्या जो पानी पानी करते हुए मर गए थे सामायिक से वही सेठ जी की कहानी है और वो कहाँ तो सेठ जी और कहाँ मेंढक हो गए बावड़ी में मेंढक हो गए और फिर वो बाल्टी में आ जाते थे सेठानी पानी भरती थी तब क्या ए? उनकी धोती पकड़ते रहते थे और फिर क्या हुआ कि जब मालूम चला सेठानी को मैंने रात से चर्चा करके कि ये तो वो है तो बहुत राग भाव से उनको घर ले आई क्या कि वो ही है और फिर क्या हुआ जब भगवान महावीर स्वामी का समवशरण आया क्या और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरने लगी तो अन्य लोगों के समान ही वो मेंढक भी अपने मुख में फूल की पंखुड़ी लेकर एक फूल लेकर और प्रसन्न चित्त होकर के फुदकता हुआ भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में दिव्य ध्वनि सुनने की भावना से देखिए देखिए आपने चित्र देखेंगे कल दिखा देंगे मैंने बहुत सुंदर यद अर्चा भावेन अब बात क्या कह रहे हैं मार्मिक बात क्या कहना चाहते हैं ये तो घटना का उल्लेख कर दिया और फिर क्या हुआ आपको पता है जब वो मेंढक जीव जो सेठ का जीव था सामायिक की तो घटना पता ही है पूरी पानी पानी करता हुआ मर गया था अब वो जो मेंढक मुंह में फूल लेकर भगवान महावीर स्वामी के समव शरण की तरफ जा रहा है फिर क्या हुआ राजा श्रेणिक क्या राजा श्रेणिक का जीव हाथी पर बैठकर अपने पूरे लवाजमे के साथ में जा रहा था तो उसके हाथी के पैर के नीचे आकर मर गया वो मेंढक क्या ये स्टोरी आर्यजन को उस समय में याद थी जब उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था तो चलाता हुआ बोलता था उस समय पूरी स्टोरी याद थी उसको तो कब क्या कह रहे हैं वो जो मेंढक जो था वो मेंढक जो जा रहा था भक्ति के भाव से जा रहा था अब सेकंड लाइन देखो फिर हुआ क्या साहब हाथी के पैर के नीचे आकर के मर गया तो क्या हुआ क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि क्या क्षणात् क्षण मात्र में आसीत स्वर्गी स्वर्ग में चला गया गुरु यार ये भक्ति का भाव देखो आप ये भक्ति के भावों की महिमा गा रहे हैं यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं
ये ऐसा गजब की बात कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भक्ति का भाव है, जिसके हृदय में जिनेंद्र देव का के भक्ति के प्रति परिणाम जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति यदि रास्ते में मर भी गया, वो जीव, वो मेंढक, तो एक क्षण मात्र में ही स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। क्षणादासी स्वर्गी, और कैसे स्वर्ग में? गुण गण समृद्धि सुख निधि, क्या गुण और गण? गण माने होता है समूह, गुणों के समूह, और समृद्धि के साथ में, और सुख निधि, खूब सुख जहां है ऐसे सुख ही सुख, मतलब यहां तो कहां मेंढक की अवस्था, तिर्यंच अवस्था, और कहां देवगति की अवस्था, कैसे हो गया साहब ये, क्यों हुआ बताओ मेरे को? भक्ति के भाव से, महावीर भगवान की भक्ति की महिमा गा रहे हैं ये। ये कह रहे हैं उस मेंढक के साथ में जब ऐसा हो गया, भक्ति के भावों से, भक्ति के परिणामों से, जब वो मेंढक क्षण मात्र में ही वहां पहुंच गया, तो फिर अब भागचंद जी कह रहे हैं, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, फिर जो आपके जो सच्चे भक्त हैं, अरे साहब थोड़े से भावों से, वो तो क्या आती थी उसको भक्ति, क्या पूजा करता था, क्या आता था उसको, क्या पढ़ा लिखा था, क्या समझता था, क्या आपके स्वरूप को जानता था, वो मेंढक कुछ भी नहीं जानता था, और उसके बावजूद वो स्वर्ग में देव बन गया। तो जो आपके सच्चे भक्त हैं, लभन्ते प्राप्त करेंगे, प्राप्त कर ले वे सद्भक्ता सच्चे भक्त शिव सुख समाजम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर ले वे, मुक्तिपुरी की प्राप्ति कर ले वे, किमु तदा, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है क्या? हे भगवान महावीर स्वामी, यदि कोई व्यक्ति आपका सच्चा भक्त हो और वो अल्प काल में आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आप जैसा बन जावे और आपके बगल में जाकर बैठ जावे, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? माने ऐसा हो ही जाता है। महावीर स्वामी नयन पथ गामी भगवतो, बोल लो एक बार ये छंद बोल लो, देखो धीरे धीरे बोलना, जितना धीरे बोलोगे स्पीड स्लो होगी उतना ज्यादा आप क्लियर बोल पाओगे और अर्थ भी समझ पाओगे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दूर इह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम क्या कहा? वापस देख लो, कुछ देखना है क्या? चार छंदों में यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ। यद माने जिनकी अर्चा भावे ने भक्ति और पूजन के भाव से अत्यंत मन में प्रसन्नता रखने वाला दर्दुर मतलब मेंढक, प्रमुदित मना दर्दुर इह मतलब ये, यहां जो ये मेंढक था ना जो प्रसन्न चित्त वाला था, क्षणात आसीत स्वर्गी, क्षणात क्षण में ही आसीत पहुंच गया, हो गया आसीत, हुआ स्वर्गी, स्वर्ग वाला हो गया, स्वर्गवासी हो गया तो थोड़ा, लेकिन वो स्वर्गवासी तो हुआ ही ना, वो रियल स्वर्गवासी हुआ। क्षणात आसीत स्वर्गी, कैसे? गुण और गण से, गुणों के समूह, समृद्धि और सुख का खजाना, जहाँ सुख ही सुख है, व्यवहार से जिसे सुख कहा जाता है लोक व्यवहार में, और असली सुख तो समवशरण के आनंद का है। पंचेंद्रिय विषय भोगों के सुख की क्या बात करें, उसे क्या प्राप्त हुआ था बताओ? वे स्वर्ग मिल गया था क्या? अरे नहीं नहीं, आपको पता है स्टोरी, वो वहां से हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, और राजा श्रेणी तो अभी पता नहीं कहाँ है और कब समोह शरण में पहुंचेंगे, और वो तो पहुंच गया समोह शरण में,
दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। ये जो उसको मिल गया, ये जो उसकी महिमा है, तो कहते हैं ऐसा वो मेंढक भक्ति के भाव से जब ये प्राप्त कर सकता है, तो आपके सच्चे भक्त मोक्ष सुख रूपी समाज को प्राप्त कर लेवे, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर लेवे, तब इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे सदा ही नयन पथगामी बने रहे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। याद करना इसको, चार छंद है, कठिन नहीं है याद करना, कोशिश करेंगे तो चार में से दो, चार को, इन चार छंदों को यदि आप चार छह बार दिन भर में बोलोगे तो वो याद भी हो जाएंगे, तो जवान पर आ जाएंगे शब्द। फिर कल चार छंद बोलते हुए आगे अपन बढ़ेंगे। अभी विराम।